दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ह्यूएमबी ग्लोबल के बारे में। ह्यूएमबी ग्लोबल एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है, एक चाइनीज क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है और ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है, जिसमें समथिंग पर डे का 27,000 BTC का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि भाई इसमें क्या अपडेट हैं और थाईलैंड में इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को जो सिस्टम है उसको शटडाउन करने का फैसला क्या है, वही न्यूज़ हम देखने वाले हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये बता रहे हैं उनका जो सिस्टम है भाई, ये बता रहे कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है ह्यूएमबी ग्लोबल वो क्लोज होने वाला है, उसको हम क्या करेंगे। ठीक है, अपनी क्रिप्टो करेंसी का क्या करेंगे। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ ये जो न्यूज़ है ह्यूएमबी ग्लोबल जो क्लोज करने वाला है, शटडाउन करने वाला है, उसमें थाईलैंड में जितने भी उसके क्रिप्टो करेंसी के लेन देन है वो सब यहाँ पे करने वाला है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम देख लेते हैं कि भाई क्या प्राइस चल रही है बिटकॉइन की। ठीक है, तो बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो हाल में समथिंग $21,000 के आसपास चल रहा है। इथेरियम $1,100 के आसपास आ चुका है। टेडर अगर USDT की बात करते हैं तो 99.89 सेंट, एंड इसके अलावा BNB $219। इसके अलावा कार्नाडो की अगर बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 0.49 सेंट्स का, और XRP 3.2 सेंट्स के आसपास। सोलाना की अगर बात करते हैं $31 का, और डोगी कॉइन यहाँ पे जो 0.057 सेंट्स का यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन आने वाले दिनों में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। समथिंग 20,000 का इसका मेजर एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, और 20,000 का अगर सपोर्ट सिस्टम टूटता है तो 18,000 के आसपास आएगा, और 18,000 का टूट जाता है तो 10,000 से 14,000 के बीच में आ सकता है। चलो बात कर लेते हैं कि भाई ह्यूएमबी ग्लोबल परमानेंटली शट डाउन क्रिप्टो इन थाईलैंड। ठीक है, अगर बात करते हैं इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और ह्यूएमबी ग्लोबल थाईलैंड में क्रिप्टो करेंसी को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, यानी कि जो सिक्योरिटी एंड कमीशन की अगर बात करते हैं, ऑपरेटिंग लाइसेंस को रद्द करने का यहाँ पे फैसला किया है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो लाइसेंस है, मई में ह्यूएमबी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, और इसके बाद इसको निलंबित करने का फैसला किया है। और यहाँ पे अगर बात करते थे, इस फैसले के कारण ह्यूएमबी थाईलैंड अब थाईलैंड में एक अधिकृत डिजिटल एसेट एक्सचेंज नहीं रहेगा। 1 जुलाई 2022 को इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बंद कर देंगे थाईलैंड में। इन ह्यूएमबी ग्लोबल की जो लेन देन है वो सब यहाँ पे बंद होने वाली है। अगर बात करते हैं, वित्त मंत्री अश्विनी त्रिपाठी ने माना कि ह्यूएमबी ने अभी भी उल्लंघन किया है, यानी कि इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी के कुछ नियम है, लेन देन के नियम है, थाईलैंड के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पे ये नहीं चल पाए, जिसके ऊपर इन्होंने इसका जो लाइसेंस है वो रद्द करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये इंडिया में कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे थाईलैंड SEC क्रिप्टो भुगतान पर प्रतिबंध लगाता है, तो एक्सचेंज सिस्टम की विफलता का खुलासा चाहता है। ठीक है, यानी कि बाइनांस एक्सचेंज सामना कर ये यहाँ पे ये बता रहे, थाईलैंड व्यापारियों के लिए छूट एंड क्रिप्टो एक्सचेंज के वातावरण के साथ एशिया में प्रगतिशील क्रिप्टो राष्ट्रों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि अगर इतना बड़ा एक्सचेंज है तो उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह से आपको स्थायी रूप से बंद भी करना पड़ सकता है। तो ये आपके सामने है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। बाकी इंडिया में अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि ह्यूएमबी ग्लोबल बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो अगर बात करते दोस्तों अगर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन वापस मैं वही बता रहा हूँ, 20,000 के एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे अगर डाउन आता है तो 18,000 का लास्ट सपोर्ट, अगर टूटेगा तो बाद में 10 से 14,000 के बीच में आप इसको देख सकते हैं, परंतु वो इम्पॉसिबल बन जाता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल को। धन्यवाद।